IBN 7 हौसला है। क्या जन्म लेने वाला हर शख्स इंसान नहीं होता? क्या जन्म लेने वाला हर बच्चा सबसे पहले मुसलमान होता है? इसलिए सही मायने में घर वापसी का मतलब दूसरे धर्म के लोगों को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाना ही है। आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन नफरत की सियासत से वोटों की फसल काटने वाले असदुद्दीन ओवैसी ऐसा ही मानते हैं। हैदराबाद में कार्यक्रम में ओवैसी ने जो कुछ भी कहा और क्या है उनके बयान का मतलब, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम करेंगे इसी पर चर्चा। क्या आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हर तरफ से हमको बोले जा रहे हैं घर वापसी घर वापसी घर वापसी, घर को आ जाओ बोल रहे। किसके घर को आना बाबू, घर को आना कहते घर वापसी घर वापसी। हम घर वापसी नहीं जाते भाई, घर वापसी कह का घर। हैदराबाद में मिलाद उन नबी के मौके पर जब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधा तो शुरुआती अंदाज कुछ इस तरह था, लेकिन पंक्ति दर पंक्ति उर्दू की जुबान पर तलखी का मुलम्मा चढ़ता गया। घर वापसी, याद रखो दुनिया वालों, ये संघ परिवार आरएसएस बीजेपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर सुन लो आप, हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैह सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैह सलाम हिंदुस्तान में आए, ये हमारी बाप की सरजमीन है। ये सियासतदान अपनी जुबान पर बार बार ईश्वर का नाम लेकर अपनी सियासत चमकाते हैं, इसमें नया कुछ नहीं। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पीएम की चुप्पी पर तंज कसने पर भी शायद बुरा ज्यादातर लोग ना माने, लेकिन जब वो कहते हैं कि लोगों को अपने ईश्वर का नाम लेने से रोका जा रहा है तो इसमें फकत सियासत की बू आती है। हम तमाम सारी कायनात क्या है, बनी आदम है नहीं है? जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा, ये हमारे बाप की सरजमीन है, पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे। और ये क्या सरजमीन है हिंदुस्तान की, सुनो आरएसएस वालों, ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन के ताल्लुक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यहां से ठंडी हवा की खुशबू आती है, तो ये हमारी बाप की सरजमीन भी हुई और यहां से ठंडी हवाएं जो खुशबू आ रही है सुबह कयामत तक यही ठंडी खुशबू हवाएं तौहीद और रिसालत की चलते रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलने से रोक सके। भूमिका बन चुकी थी। इसके बाद ओवैसी ने आरएसएस पर धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का आरोप जड़ दिया। और अजीज दोस्तों, अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि हमारे को तब्दील करने की कीमत 5 लाख का थी, ओनली 5 लाख, व्हाट अ जोक, ओनली 5 लाख। अरे प्यारे, अगर मैं हमारे पुराने शहर की जबान में जवाब दूंगा तो बोलेंगे अरे 5 लाख बोल रहा, 5 लाख का तो खाली जर्दे का पान खा के थूक तो मैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ईसाइयों के धर्म परिवर्तन की कीमत भी बता दी। तू 5 लाख बोल रहा, 1-1 हजार का पान खाते खाते आजकल अल्लाहु अकबर। हमारे एक रिश्ते के भाई भी है, उनको बड़ा शौक शाम हो की खाना पान, एयर कंडीशन पान भी निकला सुना आजकल, वो हल्लक को कलेजे को ठंडक पहुंचाता कहते। 5 लाख फॉर अ मुस्लिम, 2 लाख फॉर क्रिश्चियन, क्या है भाई ये, चने खरीद रहे? हम 5 लाख में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोख निकाल के आ जाएंगे? नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं,
5,000 करोड़ नहीं, 5 बिलियन डॉलर नहीं, सारी दुनिया की दौलत भी तुम हमारे कदमों में ला कर रख दोगे, तब भी हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद MIM सांसद ने नया खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कोई इंसान पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है वो मुसलमान ही पैदा होता है। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो RSS वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों पर लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। और सही कहा मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हिदायत तो सबके सामने है। भाषण खत्म होते होते उन्होंने देश के हर शख्स से मुसलमान बनने की अपील तक कर डाली। जो कोई भी पैदा होता है, हमारा मानना है, अपने को मानो, हमारा मानना है जो कोई पैदा होता उन्हें मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको, हमारे कहने कुछ भी नहीं है, हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आपको हम दे सकते हैं। आ जाओ, हम तमाम तो बनी आदम है ना, अब बाका मुल्क है ये, वेलकम, प्लीज कम बैक। हम हाथ उठाकर आपको बोल रहे हैं आ जाओ, वेलकम, कम बैक। धर्म परिवर्तन के मामले पर किस तरह सियासत शुरू हुई है और जनहित की जगह सियासी हित साधने की कैसी कोशिश हो रही है, इन बयानों से समझा जा सकता है। MIM को हैदराबाद से निकालकर देश भर में फैलाने का ये सबसे अच्छा हथकंडा साबित हो सकता है, शायद ओवैसी यही सोच रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ तो उसके बाद ओवैसी की तरफ से सफाई भी आई है, क्या कहा आइए सुनवाते हैं। ये मेरा बिलीफ है, मगर मैं तो आपको नहीं बोल रहा कि तुम मानो इसको, नहीं तो मैं तुमको चेंज करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 2021 तक प्रसाद साहब को मुसलमान बन जाना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि प्रसाद साहब स्टोलन प्रॉपर्टी है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि प्रसाद साहब नेशनलिस्ट नहीं है जब तक मुसलमान नहीं हो जाते। ये मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं बोल रहा हूं, आपको पूरा राइट है मुझसे डिसएग्री करने का, आप डिसएग्री करिए, ये डेमोक्रेसी है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दिस इज योर राइट। मैं कैसा हूं आपको रोक सकता हूं, मगर मैं तो डरा नहीं रहा हूं ना आपको, मैं थ्रेटन नहीं कर रहा हूं आपको, मैं धोखा देकर आपको, पैसों का लालच देकर, या फिर आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मेरे स्कूल में या आपके स्कूल में आपको इस्लामिक फोटोज लगाना है। तो क्या जन्म लेने वाला हर बच्चा मुसलमान है, किस तरह की सियासत हो रही है देश में, यही है हमारा आज का मुद्दा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं RSS के विचारक राकेश सिन्हा, बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, मुंबई से मौजूद हैं MIM के विधायक वारिस पठान, और स्टूडियो में मेरे साथ VHP के प्रवक्ता विजय शंकर जी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ हैं मौलाना दहलवी साहब भी। सबसे पहले वारिस जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मेरा सवाल ये है कि क्या इंसान जन्म लेता है या धर्म? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्या इंसान जन्म लेता है या धर्म, मेरा सवाल इसमें यह है जवाब के, बिल्कुल जन्म लेता है इंसान। हमारे पार्टी के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने परसों जो तकरीर में कहा वो ईद मिलाद उन नबी का एक फंक्शन था, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ उन्होंने अपनी एक विचारधारा पेश करी और एक हकीकत सबके सामने लाए कि जो हमारा मानना है, जो हमारा अकीदा है कि हजरत आदम अलैहि सलाम जो थे वो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह पाक ने उनको उतारा गया था, वो हमारे हबीब थे। हम आज तक यही मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा ये हमारी माँ और हमारे बाप है, तो हम उनकी पैदा की गई औलादे हैं। तो हम अगर ये मानते हैं कि हम उनकी औलादे, तो हम सब वो तो मुसलमान थे, वो तो प्रॉफिट थे, नबी थे, तो हम लोग सब उनकी उम्मत है। ये डेमोक्रेसी, उन्होंने ये बताया और उनका ये भी मानना था कि जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। लेकिन हमारा ये अकीदा है, हम तो किसी को नहीं बोलते हैं कि भाई आप इस पे मानो, हम तो किसी को नहीं कन्वर्ट कराना चाहते हैं कि भाई आप इस बात को मानते हुए कन्वर्ट कीजिए। उन्होंने बात की उसका मतलब और उसका मकसद तो वही था। नहीं, उसका मकसद पॉलिटिसाइज करना का कुछ नहीं था, उनका मकसद बिल्कुल सीधा था कि हम लोग जो है वो धर्म परिवर्तन में क्यों माने। आप लोग जो 5-5 लाख रुपया दे के एक लालच दे दे के बुला रहे हो कि घर वापस आ जाओ, ये 5 लाख रुपया रहो, आप ये कन्वर्ट करो, तो आप तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। आपको क्या हक बनता है कि किसी को लालच दे के, किसी को डरा के, किसी को धमका के जो उसका धर्म है उसको आप परिवर्तन करें?
जबकि वो पैदाइशी मुसलमान है। ठीक है, आपका ये कहना है पैदाइशी मुसलमान है, ये बताएं इस्लाम के आने से पहले भी तो लोग थे ना, पहले भी इंसान हुआ करते थे, उनका क्या धर्म था? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारा तो ये अकीदा है क्या, जब से पहले इस दुनिया के ऊपर जब जो आए वो आदम अलैहि सलाम आए, माँ हवा आई और उनकी सारी औलादें हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप बाय बर्थ जो फॉलो कर रहे हो रिलीजन उसको चेंज कर दो। रिलीजन इज व्हाट आप प्रैक्टिस करते हो, यू हैव अ डेमोक्रेटिक राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ योर चॉइस। ठीक है, पठान साहब रहिए, स्टेटमेंट को मरोड़ चरोड़ के बताया जा रहा है, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट उस मुद्दे पे नहीं था, उसको मरोड़ चरोड़ के बताया जा रहा है, हमारा स्टेटमेंट क्लियर था, अकीदे के ऊपर था, हम किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाना चाहते हैं, किसी को जबरन ये नहीं कहते। मौलाना देहलवी साहब, आप इस बात से कितने सहमत हैं जो बात इन्होंने कही है? देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहली चीज तो ये, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी, मुझको कहीं नहीं लगता कि वो किसी धार्मिक व्यक्तित्व की तकरीर हो सकती है। दो चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, कोई भी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म जो लोगों को बुलाता है उस पर वो यही कहता है कि आपको हम इज्जत के लिए, एहतराम के लिए और खुदा तक की रसाई के लिए बुला रहे हैं। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, पैगम्बर मोहम्मद साहब ने भी कहा कि मैं तुमको उसी तरफ बुला रहा हूँ जो पीछे तुमको बुला रहे थे, यानी मैं तुमको इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, इवन दाऊद, उन सभी की तरफ मैं बुला रहा हूँ। और इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुली, हम रेस्पेक्ट करेंगे उन सब का जो सारी किताबें हैं, सारे इशदूत या पैगंबर हैं, उन सब का हमको एहतराम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, जैसे कि अलग अलग जगहों पे कहा, ये हमारे हिंदुओं में भी कहा गया, खुद नानक, गुरु नानक साहब ने कहा तजो सब भरम भजो अपार भरम नानक, ये अटल धर्म, यही मेरा असल धर्म है, ये क्रिश्चियन ने भी कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस दावत को देकर दुनिया भर के लोगों को कहें कि आप इस तरफ आइए। असदुद्दीन अवैसी साहब एक सियासी शख्सियत है, और कल वो जिस जगह बोल रहे थे वो पैगंबर अलैहिस्सलाम का यौम विलादत, उनका बर्थडे था, और उनको शायद ये मालूम होना चाहिए था कि रघुपति सहाय फराग गोरखपुरी ने कहा है मोहम्मद जिनका नाम वो मुसलमानों पे तो नहीं, यानी वो तो रहमतुल आलमीन है, सभी के लिए हैं, बाबा नानक से लेके फराग गोरखपुरी तक उन पे मुख्तलिफ किताबें और कर, मैं समझता हूँ ओवैसी साहब एक बहुत बड़े सियासी शख्सियत तो हो सकते हैं, लेकिन धर्म के बारे में उनको काम जो है धार्मिक लोगों का काम है, जिस तरीके की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उनको पान और पनवाड़ियों की दुकान तरह समझ रहे थे, मैं समझता हूँ कि उनकी अभद्र भाषा उनके इस तर्क को किसी भी सूरत में कोई संजीदा मुसलमान कबूल नहीं करेगा। सीधे सीधे देहलवी साहब, ये जो कुछ भी उन्होंने कहा पूरी तरह से सियासत से प्रेरित, बिल्कुल सियासत, बिल्कुल सियासी वो है। ठीक है, ठीक है, श्रीकांत आप इस बयान पर, मैं पहले सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूंगी। श्रीकांत देखिए, मैं मानता हूं कि अब देश की जनता इन सब चीजों से बहुत आगे जा चुकी है, और अब लोग तरक्की चाहते हैं, और तरक्की पसंद लोगों ने इस बार सबको नकार के एक तरक्की देने वाली, विकास करने वाली, सबका साथ सबका विकास को देने वाली एक ऐसी सरकार को लोगों ने चुना है। ये सियासत है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स लोग लगातार करते रहे और जनता ने उनको इस बार नकारा है, तो जनता बहुत आगे जा चुकी है इस तरह के बयानों से, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो बयान दे रहे हैं वो, मैं मानता हूं कि सिर्फ एक मीडिया में सुर्खियों के बने रहने के लिए, और वो जो वहां लोग उनको सुन रहे थे उनके एंटरटेनमेंट से अलावा मैं इस बयान को और ज्यादा नहीं देखना चाहता। तो श्रीकांत, जिस तरीके से देहलवी साहब ये कह रहे हैं पूरी तरह से सियासत वहां पर वो कर रहे थे, क्या आप इससे सहमत हैं? निश्चित रूप से सियासत कर रहे थे, और वो इस तरह की सियासत कर रहे थे जिस तरह के तकरीरें हम लगभग अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में, इराक में हम देखते रहते हैं, और उस तरह की तकरीरों के बाद वहां क्या हो रहा है आज, किस तरह से वो मुल्क जो है बर्बाद हो रहे हैं, तो वो तकरीरें उस तरह की हैं। तो आज मैं मानता हूं कि इस देश की 125 करोड़ जनता इस तरह के बयानों में, इस तरह की जो लोग कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं, इनमें जनता भरोसा नहीं करती है, जनता अब इन बयानों से बहुत आगे जा चुकी है, और ये वो सोच है जिसकी 2014 के चुनाव में बुरी तरह से पराजय हो चुकी है। ठीक है, मेरे साथ विजय शंकर जी भी मौजूद हैं, स्पोक्समैन है वीएचपी के। विजय शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, श्रीकांत ने कहा कि इस तरह के बयान सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए दिए जाते हैं, देहलवी साहब कह रहे हैं कि सियासत से बिल्कुल पूरी तरह से सियासत यहाँ पर झलक रही थी, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, एक तो जब से मैंने इस समाचार को पढ़ा है और जब से देखा है, तो मुझे ना इसका कोई जमीन पता लग रहा था, ना मुझे कोई इसका आसमान पता चल रहा था। पहले तो मैं सोच रहा था कि इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी क्या करूं और कैसे की जाए टिप्पणी, लेकिन मैंने जितना इस्लाम के विषय में सुना है और थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें तो मैंने ये सुना था कि इस्लाम के जन्मदाता पैगम्बर मोहम्मद साहब हैं, और पैगम्बर मोहम्मद साहब पर जो ईमान नहीं लाता वो काफिर है।
इस्लाम पर जो नहीं लाता अपना ईमान वो काफिर है, ऐसा हमने सुना है। इनकी बात से लगता है कि जो आदम है वो पहली उपज है और आदम ने इस्लाम शुरू किया है, तो पहली बात तो एक बात यही हमें लगता है कि इनके विषय में क्या कहा जाए, जो इस्लाम की जो पैदाइश है वो आदम से कर रहे हैं, मैं पैगंबर मोहम्मद से नहीं कर रहे, तो एक तरीके से तो मैं कहता हूं कि इनको काफिर करार देना चाहिए इस्लाम ने और मुस्लिम समुदाय ने जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा, ऐसे लोगों से यही अपेक्षा की सकती है, मैंने पढ़ा था कि 1957 में जो इनकी मिम पार्टी है, MIM पार्टी है, इसको बैन से छुड़वाया गया था। भारत के अभी उसमें ऐसी कोई पार्टी नहीं जो राजनीतिक पार्टी जिस पर बैन लगाया जाता हो, क्योंकि वो सेकुलर जैसी दिखती हैं, लेकिन ये तो पूरी तरीके से इस्लाम पर बात करने वाली जो पार्टी है और उसको यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय मौजूद जी है कि इसको मान्यता प्राप्त है जो पूरी तरीके से इस्लामिक बात करती है। तो मेरी पहली मांग तो यह है कि इस पार्टी पर बैन लगाना चाहिए और उस परिवार को बोलने की हिदायत देनी चाहिए। ठीक है, मैं देलवी साहब आऊंगी, राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ है, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए मैं राकेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर विजय शंकर जी कह रहे हैं कि इस तरह की पार्टी पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, हम उनकी बात यहाँ सुन रहे हैं, सबकी बात क्योंकि सुनी जा रही। राकेश जी, एक सरल शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आजाद मुल्क है, हमें हर धर्म को मानने की आजादी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये बताएं कि इंसान को इंसान कब समझा जाएगा, वो हिंदू वो मुसलमान कब इंसान समझेंगे हम? स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, हजारों लोग हिंदू धर्म में आना चाहते थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम जिस धर्म में हो वहीं अच्छे इंसान बन के रहो। दूसरा इंस्टांस देता हूं, केरल में चेरामन मॉस्क है, हिंदू राजा ने इस्लाम के अनुयायियों के लिए वो मॉस्क बनाया था जो विश्व का दूसरा पुराना मस्जिद है मक्का मस्जिद के बाद। इस संस्कृति में रहने वाला कोई ओबीसी यदि ऐसी बात करता है तो मैं उसे गंभीरता से लेता हूं। वह ISIS के डिस्कोर्स को भारत में इंट्रोड्यूस कर रहा है, यह सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा है, उसे सियासत नहीं कर रहा है, वह ISIS की जो राजनीति है, जो विचारधारा है, जो उसका संगठनात्मक आधार है, उसकी जमीन तैयार करने के लिए ओबीसी आ रहा है। और वो जान ले ये 47 का भारत नहीं है, यहाँ औरंगजेब के औलादों के लिए और ISIS के एजेंटों के लिए जगह नहीं है। इसको हिंदुस्तान की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और ओबीसी को एक और बता दूं, 700 साल पुराना मजहब 10,000 साल पुरानी संस्कृति को चुनौती नहीं दे सकती है। वो ठीक कहा, उसके बाप की जमीन है, उसके दादा परदादा बाप हिंदू थे। और इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ओबीसी यदि हिंदू आते हैं, हिंदू धर्म में आते हैं, तभी उनका स्वागत होगा और आए। पर राकेश जी, आप भी तो वही बात कर रहे हैं, आप भी तो वही बात कर रहे हैं जिस ढंग से, जिस नहीं नहीं जी, मैं कह रहा हूँ सांस्कृतिक जमीन से जुड़े, वो मस्जिद जाएं, लेकिन संस्कृति भारत की हो, संस्कृति हिंदुस्तान की हो, संस्कृति तो फिर हिंदू क्यों, हम क्यों हिंदू, हिंदू क्यों हम क्यों क्यों कोई मुसलमान नहीं, मुसलमान भी तो इस मुल्क का हिस्सा है। नहीं नहीं, पूजा पद्धति मुस्लिम है, पूजा पद्धति है, 700 साल हमारे यहाँ नई पद्धतियां आएंगी, नए धर्म आएंगे, नए संप्रदाय आएंगे, लेकिन संस्कृति नहीं बदलेगी। संस्कृति तो वही रहेगी जो इस देश की 10,000 साल पुरानी संस्कृति की निरंतरता जारी रहेगी, कंटिन्यूटी चेंज के साथ ये संस्कृति चल रही है। जो ओबीसी आज डिस्कोर्स कर रहे हैं उस डिस्कोर्स पर गंभीरता से लेना होगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ ISIS का एक शॉर्ट वर्जन ओबीसी है। मैं आती हूँ आपके पास, वारिस पठान जी, आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप ISIS की विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी को बैन कर देना चाहिए, काफी संगीन आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और ऐसे आरोपों को लगाना नहीं भी नहीं चाहिए। हम इनको लीगल नोटिस देंगे कि इन्होंने किस तरह से आरोप लगाया है। जो पार्टी 57 ईयर्स से इस देश के अंदर है, क्या आप उसको ISIS का पार्ट बना रहे हो? जो पार्टी इतने सालों से इस देश के अंदर है उसको बैन करोगे? जब कांग्रेस को जरूरत थी इस पार्टी की, तब इस पार्टी ने समर्थन दिया है, क्या आप इस पार्टी को बैन करोगे? जरूरत थी राव गवर्नमेंट को, तब क्या इस पार्टी ने उसको, क्या इसको बैन करोगे? और आप क्या बात कर रहे हो? आप ये आपने स्पष्ट बता दिया कि RSS की आइडियोलॉजी क्या है, RSS क्या करना चाहती है, RSS देश के टुकड़े करना चाहती है, RSS एक डेमोक्रेसी के अंदर आके इन्वॉल्व होके डेमोक्रेटिक बात करने वाले को रोकने की बात कर रही है RSS। आप क्या बात कर रहे हो? आप RSS की आइडियोलॉजी पूरी मीडिया के सामने लेके आ गए, आपने सच बात कहा है, इसके ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या RSS के लिए क्या आइडियोलॉजी है आपकी? आप इसको ISIS क्या ज्वाइन कैसा कर सकते हो? अरे हम तो कहते हैं कि ISIS आतंकवादी संगठन है, इसको बैन करना चाहिए। MIM आप कैसा बैन कर सकते हो? तो बैन करना चाहिए को लेकर ओबीसी आगे बढ़ रहा है। कौन होते हो MIM को बैन करने वाले? क्योंकि 7 ईयर से एक पार्टी है, आप एक पार्टी को बैन करने वाले होते हो जाए।
इस पार्टी का समर्थन लेना था, कांग्रेस का समर्थन लिया, समर्थन लिया। हो कि संगठन आईएसआई के साथ आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हो आईएसआई के साथ एमआईएम को, वो हम संगठन की खुले दिल से मुझे हमारा तो सेक्सुअलिटी है, हमने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप कन्वर्ट हो। देखिए आप दोनों बोलेंगे ना ऐसे किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। एक छोटा सा रिएक्शन दहलवी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप रुकिए दोनों रुकिए मैं आपके पास आती हूँ राकेश जी आ रही हूँ राकेश जी बस एक सवाल मुझे पूछने दीजिए ऐसे किसी और की टर्न नहीं आएगी राकेश जी आईएसआईएस से ये कैसे अलग है विचारधारा में और आपने तकरीर में आपकी तरह है वो हमारी तरह नहीं है विचारधारा आतंकवादी होता है विचारधारा के कारण आप आतंकवादी हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों लोग राकेश सिन्हा साहब भी बड़े संजीदा हैं और वारिस साहब भी। पहली चीज तो जो तिवारी साहब ने कि बिल्कुल इस्लाम की जो आधार और बुनियाद है और जितने भी मजाहब हैं वो सैयदना हजरत आदम तक जाती है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो सिन्हा साहब कह रहे हैं ये मुल्क ना गोडसे का है ना जिन्हा का है ये मुल्क उन सब लोगों का और जाहिर बात है इस मुल्क ने मुझको जो इजाजत दी है मैं अपने तरीके से नमाज पढ़ूंगा अपने तरीके से इबादत करूंगा और हमारा पूरे भारतीय मुसलमानों का एक ही मकसद है हम अपने घर में से किसी को जाने नहीं देंगे और दूसरे के घर से किसी को लाने नहीं देंगे ये हमारा मत है। जहां तक वारिस साहब की बात है और हमारे तिवारी साहब बैठे हैं एक बड़ी दिलचस्प बात इन दोनों के लिए सिन्हा साहब को शायद ये मालूम होगा नवजोत आप बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वो एमआईएम और वीएचपी अकेले संगठन थे कि जब 1991 में सरकार बनी नरसिम्हा राव की उस मौके पर सारा मुस्लिम समुदाय कह रहा था कि हम वार्ता नहीं करेंगे। उस वक्त सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के फादर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और वीएचपी के लोग बैठ के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग बैठ के ये बातचीत करते थे और ये सब जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर इनका क्या खुफिया एजेंडा था दिल्ली का चुनाव है और ये एक जमाने में कांग्रेस के साथ कभी टीआरएस के साथ इसलिए दोनों वीएचपी हो या एमआईएम हो इनके जो अपना है 91 से इनके पुराने ताल्लुकात हैं और ये बहुत सिद्ध बातें सिद्ध हो चुकी हैं इसलिए मैं समझता हूं इनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिन्हा साहब से आदर के साथ एक बात कहूंगा ये मुल्क हम सबका है इस मुल्क की भौतिक जो संस्कृति है हमको उसका आदर सम्मान इस मुल्क में ना जिना की जरूरत है ना गोटसे की जरूरत है ये मुल्क गांधीवादी विचारधाराओं के साथ चलेगा और हमको उन्हीं को याद रखना चाहिए। जो पैदा हुआ वो मुस्लिम और इसी पर हम चर्चा कर रहे तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं श्रीकांत आपके पास आना चाहूंगी बहुत दुख लगता है जब हिंदुस्तान में उस जगह पर जो एक सेक्युलर कंट्री है हमारे संविधान ने हमें आजादी दी है कि हम किसी भी मजहब का किसी भी धर्म का पालन करें और वहां पर इस तरीके की छोटी छोटी खासतौर पर अगर हम सियासी पार्टियों की बात करें वो इस तरह का संदेश देती है कि तुम हिंदू तुम मुसलमान ये बताएं कि मांग भी हो रही है अगर जो भी इस तरह की बात करे उसको बैन कर देना चाहिए लेकिन उसमें बहुत सारी पार्टियां आती हैं क्यों नहीं इंसान को इंसान समझा जाता। देखिए मैं मानता हूं कि इस देश में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है लगातार एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह के बयान देने वालों का और उनको कहीं ना कहीं शेल्टर मिलता रहा लोग इनका उपयोग करते रहे। ये दोनों भाई बयान देने में कुख्यात हैं आपके इनके बयानों का अगर आप निकालेंगे तो क्या क्या इन्होंने नहीं कहा वो मैं आपके चैनल पर बोल नहीं सकता इस तरह के इनके बयान आए हैं। लेकिन जनता अब इस तरह के बयानों को इस तरह की राजनीति करने वालों को जो जहर की खेती करने वाले लोग हैं और फसल काटने वाले लोग हैं जनता अब उनको समझ चुकी है जनता अब इनसे निजात चाहती है जनता ने इनसे निजात प्राप्त भी कर ली है और ये देश अब तरक्की के रास्ते पर बढ़ गया है और ये देश सेकुलर देश है यहाँ सबका सम्मान है सबका साथ है। अभी भी तो इस तरह की आवाजें आती है ना धर्म परिवर्तन ऐसे देखिए ऐसी आवाजों को ऐसी बातें तो चलती रहती है ऐसी आवाजों को जनता कुचलती है ऐसी आवाजों को जनता ने कुचला है इस देश में इस तरह की ताकतों के लिए कोई स्थान नहीं है जो इस देश के बंटवारे की बात करती हूं इस देश में जहर फैलाने की बात करती हूं ये देश अब इन सब चीजों से बहुत आगे जा चुका है और जिन जिन लोगों ने इस तरह की बातें की हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों का अगर आप देखेंगी आकलन लोकसभा में बिल्कुल शून्य तक पहुंचने वाला है तो इनको सबक लेना चाहिए। देश अब तरक्की चाहता है नौजवान रोजगार चाहता है किसान खेत को पानी चाहता है और उसके लिए जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को चुना और सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है ऐसी ताकतों को जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। ठीक है तो बहरहाल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी की तरफ से महंत आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई है क्या कहा उन्होंने सुनवाते आपको। ओवैसी जो बात आज बोलता है कल वो माफी मांग लेता है फिर इस बात से वो माफी मांग लेगा। हिंदुस्तान के अंदर जन्मा हुआ हर बच्चा भारतीय है हिंदू है।
आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ सांसद है बीजेपी के। श्रीकांत, सुना आपने क्या कहा? आप ये कह रहे हैं कि लोग विकास चाहते हैं और जो भी इस तरह की बातें करता है जनता उनको नकार रही। आदित्यनाथ फिर से वही बात कर रहे हैं, जो भी बच्चा जन्म लेता है वो हिंदू है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है और वे ऑफ लाइफ है, इसमें हिंदुत्व में कहीं किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप अजमेर जाते हैं तो तमाम नौजवान लोग अजमेर शरीफ दर्शन करने जाते हैं, तो ये इस तरह का फ्रीडम हिंदुस्तान में है, हिंदुत्व में है, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मैंने और आपने नहीं कहा है। तो जो बच्चा जैसे पैदा होता है, हमें लगता है कि हमें इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए, और इस तरह के जो बयान ओवैसी टाइप के जो लोग देते रहे हैं, ये वो सामने उनके बच्चे थे, शायद उनको एंटरटेनमेंट के लिए वो बयान दे रहे थे, इससे ज्यादा गंभीरता से उनको बयान को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं, तमाम सांसद ऐसी बातें जब करें तब क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने स्पष्ट कहा है कि इस तरह के बयान देने वाले लोग जो अभी तक उनको तुष्टीकरण की जो राजनीति करते रहे अपने करप्शन और अपने कुशासन को छुपाने के लिए, अब जनता ने उनको नकार दिया और जनता अब सुशासन चाहती और इस रास्ते पर ये देश चल चुका है। मैं इतना आग्रह कर रहा हूं आपसे। तो फिर क्या हम उम्मीद करें श्रीकांत कि अब आगे जाकर धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी हमें? देखिए, धर्म परिवर्तन की बात तो वो लोग कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन पर ये लोग चिल्लाते भी हैं, और जब संसद में सरकार धर्म परिवर्तन पर कठोर बिल लाने को तैयार होती है तो सब लोग संसद से भाग जाते हैं। तो दोहरे मापदंड हैं इन लोगों के। धर्म परिवर्तन तो वहां होता है जहां अगर कोई दूसरे धर्म में जा रहा होता है, हमारे यहां तो सिर्फ आना ही आना है, हमारे यहां जाने की कहां, हिंदुत्व में कहां कहीं कोई रास्ता है। यहां तो हिंदुत्व तो एक बड़ा एक परिवार है, वे ऑफ लाइफ है। तो यहां धर्म परिवर्तन की बात करना ठीक है, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर आगरा में हवन कर रहा है तो उस पर इतना आडंबर खड़ा करना, संसद को नहीं चलने देना, ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत है सरकार के काम में अड़चन पैदा करने के लिए, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस के मित्रों के द्वारा हो रही है। ठीक है, देहलवी साहब कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल, मेरा मानना यह है, सिन्हा साहब ने जो बात कही बहुत अच्छा, उन्होंने एक अच्छा मुद्दा था, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। परेशान कुन बात यह है कि इस देश का जो वातावरण है बहुत सेकुलर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि श्रीकांत से भी को भी ये बात समझनी होगी। मैं महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ नवजोत, ये बात सब जानते हैं कि MIM उन बहुल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उसने उम्मीदवार खड़े करे जहां पिछले 25 साल से कभी कोई जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो है मुसलमानी जीतता था, वहां इनकी कारस्तानियों से, इनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी जो वो जीत के आई है। अब इनको जाहिरी बात मालूम है कि दिल्ली का चुनाव आ रहा है, MIM एक जमाने तक कांग्रेस के साथ रहती थी, फिर TRS के साथ हुई, जैसे 91 से लेके वो VHP के साथ वार्ता करती रही है। और इनके एक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान था जो बिल्कुल ही अलग तरीके का था। उसमें उन्होंने कहा था, एक हैदराबाद की एक जमीन का विवाद हो गया था जहां पर जो है वो झगड़ा वगैरह हुआ, और उसके बाद उस झगड़े में उनके ऊपर कोई अटैक हुआ, और उसके बाद उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा, जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने साक्षात पैगंबर साहब को अपने बराबर में खड़े हुए देखा था। तो बिल्कुल सही है, जोकिंग है, लेकिन इन बयानों से जो श्रीकांत कह रहा है मैं समझता हूं बिल्कुल गलत कह रहा है। इन बयानों से ओवैसी भी मजबूत होते हैं और वो ताकतें भी मजबूत होती हैं। क्या वो हिंदुइज्म की तरफ बुलाएं या मुसलमानों की तरफ, ये हिंदुइज्म या मुसलमानों की तरफ बुलाने की राजनीति नहीं है, ये उसके नाम पर वोटों का तुष्टिकरण करने वाली बात है। ठीक है, इसलिए हर वो व्यक्ति, और जो हमारे सिन्हा साहब बार बार कह रहे हैं, मैं उसमें आगे बढ़ाता हूं, इस देश के अंदर ISIS के लिए कोई जगह नहीं है। वो व्यक्ति जो उनको सबने नकार चुका, और इस देश का मुसलमान वजाहत के साथ ये बात कह चुका है कि आतंक के लिए, देश विरोधी ताकतों के लिए न हमारे पास कल कोई समर्थन था न हम करेंगे, लेकिन जबानें सबकी बंद करनी पड़ेंगी, ये कानून का काम है। ठीक है, ठीक है। वारिस साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौलाना देहलवी साहब भी ये बात कह रहे हैं और ये सवाल मेरा भी आपसे है, क्या सियासत चमकाने के लिए सब कुछ होता है? क्या आप हैदराबाद के बाहर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, यहां पर जमीन बनाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब यह देना चाहता हूं कि जो मौलाना सैयद अथर साहब जो बता रहे हैं अभी, उस टॉपिक पे हम बैठे ही नहीं है, हम टॉपिक पे बैठे हैं कि जब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात की उसके ऊपर। इनकी हर बात का जवाब मैं 2-2 घंटे तक दे सकता हूं, मुझे मालूम है क्या जवाब देना है मुझे इनकी बातों का। रहा सवाल कि MIM जो आंध्रा और तेलंगाना में थी, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जा रही है, तो जाएगी क्यों नहीं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर इंसान को हक है
लोगों के वहां से फोन आ रहे हैं कि भाई आप यूपी में आइए, दिल्ली में आइए, झारखंड में आइए, तो ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था। लेकिन जो असर साहब बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, ये बयान पॉलिटिकल नहीं था। और हर इंसान को एक एक स्टेट में जाके अपनी पार्टी के अगर मेंबरान खड़ा करके इलेक्शन लड़ता तो कोई बात नहीं। और हमने ऐसा कहां खड़ा किया लोगों को जहां से एक मुसलमान को या किसी वार को फायदा या नुकसान पहुंचाए? हमने हमारे कैंडिडेट वहां से खड़ा किए हैं जहां से हमको लगा कि लोगों को जरूरत है, जहां से लोग कांग्रेस की सियासत से तंग आ चुके थे, जहां एनसीपी के लोग बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के साथ आपने क्या करा सब जानते हैं। क्यों नहीं खड़ा किया हमने? फिर भी हारा सब जानते हैं। के सामने हमने नहीं खड़ा किया फिर भी वो हारा। मैं आपको बता सकूं नवाब मलिक के सामने हमने नहीं खड़ा किया। हम मजहब आपसे बेहतर जानते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं जब बात कर रहा हूं आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज इज्जत कर रहा हूं मैं आपकी, आप भी नहीं बोलेंगे बीच में मेरे ना, मैं आपके बीच में बोलूंगा। हमने बाबा सिद्दीकी के सामने खड़ा नहीं किया, नवाब मलिक के सामने नहीं खड़ा किया, फिर भी वो हारे। और लोगों को ये बोलना कि कांग्रेस और एनसीपी को वोट मत दो, हम सेक्युलर है हमको वोट दो, ये क्या कोई चुनावी बात है? ये कोई गलत बात है? हम तो हमारे हक के लिए मांग रहे हैं वोट। आज जो लोग परेशान हो गए थे 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी की वजह से, आज वो लोग हमारे को वोट दे रहे हैं, हमको जिता के लाए। 24 में से हमारी 2 सीटें आई है, 5.25 लाख वोट हमने महाराष्ट्र में लिए। तो क्या ये सारी पब्लिक का आप दिमाग नहीं समझ रहे हो? पब्लिक चाहती है चेंज, डेमोक्रेसी है, हर इंसान को हक है अपने हिसाब से अपनी पार्टी को वोट दे। उन्होंने हमको लाया, वी आर द मोस्ट सेक्युलर पार्टी इन इंडिया टुडे। ये मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ अतर साहब, आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो, लेकिन पूरी आवाम हिंदुस्तान की सहमत है कि वी आर द मोस्ट सेक्युलर पार्टी टुडे। आप खुद को सेक्युलर कह रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि पैदा होने वाला मुस्लिम है, तो कहां की सेक्युलर पार्टी हो गई फिर ये? सेक्युलरिज्म आप उससे क्यों देख रहे हो? पैदा होने वाला मुसलमान है, उन्हें एक कंटेक्स्ट के अंदर कहा था कि जो मानना माने। हम आदम अली सलाम की उम्मत है, हम आदम अली सलाम की उम्मत भी है, हम हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी है। उन्होंने ये कहा जो पैदा हुआ वो है, बाकी आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। उन्होंने ये कहा ना, उन्होंने आपको फोर्सफुली नहीं कहा, उन्होंने पॉलिटिसाइज नहीं किया। आपने अपनी बात कर दी, मुझे राकेश सिन्हा जी बात की है। वारिस पठान साहब रुकिए, राकेश सिन्हा जी। देखिए ये देश पिछले 10,000 सालों से एक बहु सांस्कृतिक परिपेक्ष में जीता रहा है, एक दर्शन रहा है जिसमें सबको आने जाने की छूट रही है। हम तो नए संप्रदायों का स्वागत करते हैं, नए धर्म गुरुओं का स्वागत करते हैं, भविष्य में कोई नया भगवान पैदा लेगा उसका हम स्वागत करते हैं। इस देश में किसी पर कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं रहा है। लेकिन जब आप इस देश में डेमोग्राफिक एग्रेशन करते हैं, जब आप यह कहते हैं इस देश का हर आदमी मुसलमान है, तो इस तरह का तकरीर और आईएसआईएस के तकरीर में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। ये मुझे बता दे पठान कि आईएसआईएस की जो आइडियोलॉजी है और इनकी जो तकरीर है उसमें क्या दो अंतर है? दो अंतर मुझे बता दें। मैं मानता हूं ऐसे तकरीरों को खत्म करने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए। राकेश जी, आप धैर्य मत खोइए। मैंने चिरामन मॉस्क की बात की। इस देश में जब ट्रेडर्स आए, इस्लामिक ट्रेडर्स आए, तो एक हिंदू राजा ने एक मस्जिद बना दिया, मंदिर को मस्जिद बना दिया। उस देश में आप किस तरह का तकरीर कर रहे हैं? उस देश में इस संस्कृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? एक बात जान लीजिए, 47 के पहले इस तरह की तकरीर होती थी और लाइसेंस लेने के कारण आइडियोलॉजी से आपको 1930 आपकी आइडियोलॉजी पसंद करेगा देश? अरे नहीं करेगा आपकी आइडियोलॉजी को पसंद देश। आज देश को आपकी आइडियोलॉजी दिखा रहे हो, देश के आप टुकड़े करने की बात कर रहे हो, आप टोटल रॉन्ग बात कर रहे हो। आप आपकी आइडियोलॉजी जो है उसको आप तक रखिए, देश के अंदर मत लाइए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इंसान को अपनी तरह से जीने का हक है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नहीं मानते हो कानून को। आप किस तरह से आईएसआई के साथ ज्वाइन कर सकते हो? नेशनलिस्ट पार्टी को बताइए, आपको क्या तुम आईएसआईएस के विचारधारा को भारत में स्वस्थ तरीके से फैलाने की साजिश कर रहे हो? तुम पर कार्रवाई होनी चाहिए। पठान तुम्हारी पार्टी और आईएसआईएस की जांच से मंत्रालय की जानी चाहिए। भारत के गृह मंत्रालय को आईएसआईएस के संबंधों की जांच होनी चाहिए। तुम्हारी पार्टी सब कमीशन और अंतराल में जांच होनी चाहिए। और इस तरह की तकलीफ का इसको काम प्रशासन करके रखता है। आप कुछ भी बोल दें और डेमोक्रेसी के नाम पर आप कुछ भी बोलते हैं, संगठन के नाम पर आप कुछ भी कर रहे हैं।
हर टेररिस्ट संगठन के अगेंस्ट हम खड़े हैं, हर टेररिस्ट संगठन के अगेंस्ट हम हमको ये चाहते हैं कि उन्हें कड़क से कड़क सजा मिले। आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो हम नहीं चाहते, हमारी आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक है, हमारी आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक है। भारत जी रुकिए रुकिए, राकेश जी रुकिए, मेरे साथ आपको बोल रहा हूँ मैं जी। भारत जी मैं आऊंगी, अब आऊंगी आपके पास, आप दोनों ने अपनी बात कह ली, आप दोनों ने अपनी बात कह ली, मैं आऊंगी आपके पास। दोनों मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, इनसे भी मुझे बात करनी है। जो पैदा हुआ वो मुसलमान, इसी पर चर्चा चल रही है। और मेरा सवाल ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो क्या इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है या फिर धर्म पैदा होता है, इसको लेकर पूरे देश में इस तरह की बहस चल रही है। राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में विजय शंकर जी भी बैठे हैं। राकेश सिन्हा जी आप दोनों से सवाल है, राकेश जी पहले जवाब दीजिएगा। मोहन भागवत जी ने यह कहा कि हिंदू खतरे में होगा तो देश खतरे में होगा, आप ये बताएं क्या इस बात से, आप इस बात को लेकर कितने सहमत है? अगर मुसलमान खतरे में होगा तब क्या देश खतरे में नहीं होगा हमारा? देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि हम पहले तो मैं पहले जो डिस्कोर्स चल रहा था उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारी संस्कृति का जो अधिष्ठान है जिसको पैराडाइम कहते हैं, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग बोलते हैं, इसी आधार पर हमने अपनी संस्कृति को विकसित किया है, इसी आधार पर यहाँ धर्म संप्रदायों को स्वतंत्रता मिली है। संविधान तो उसका एक रिफ्लेक्शन है, संविधान के कारण हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, टर्की संविधान के कारण धर्मनिरपेक्ष है, हम समाज के कारण धर्मनिरपेक्ष है। एक इससे इस बात को समझ लें, इस बात को जो लोग नहीं मानते हैं वे धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग करके इस धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते हैं, जैसे जिन्ना ने किया, इकबाल ने किया, धर्मनिरपेक्षता का गुणगान करके, लोकतंत्र का गुणगान कर करके इसी थाली में छेद करने का काम किया। एक मोहन भागवत जी ने जो कहा, जब जब हिंदू समाज को जो उन्होंने परिभाषित किया है वो दूसरे सेंस में किया, यदि हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है, वो जातियों में, क्षेत्र में, भाषा में विभाजित रहता है, तो देश को जो एक पैट्रियोटिक आधार चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा, इसमें किसी मुसलमान से वैर करने की बात नहीं है, मुसलमानों में सिया सुन्नी का झगड़े नहीं हम चाहते हैं, हम चाहते हैं मुसलमानों में खुर्जा और नॉन खुर्जा का झगड़ा ना हो। इसलिए मोहन भागवत जी ने इस देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करने के आधार की बात की है। ठीक है विजय शंकर जी, संक्षेप में मैं उसके बाद ठीक बात है, जो भारत भूमि पर अपना विश्वास करता है, भारत भूमि के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है, प्राण न्योछावर तक करता है, वो सारा समाज हिंदू है, और वो अगर खतरे में पड़ता है तो स्वाभाविक है देश खतरे में पड़ता है। मैं संक्षेप में कहूंगा, पहले तो मैं वारिस साहब से कहूंगा कि इस देश का जो सेकुलरिज्म है, हमको अपनी राजनीति और अपनी बातों को पैगंबर साहब के उन्हीं उसूलों के साथ आगे बढ़ा, जिसका नाम टॉलरेंस है। दूसरी चीज सिन्हा साहब और तिवारी साहब से कहूंगा, क्या ओवैसी साहब हूँ, हिंदू धर्म अपने आप में इतना सक्षम है कि अंबेडकर की टिप्पणियां हों या मायावती या काशीराम जी साहब की तकरीरें हों, उसके बाद भी वो अपने आप को आगे बढ़ाता रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की सेकुलर वही हो सकता है जो अपने धर्म की पाबंदी करे और दूसरे के धर्म का आदर करे, ना घर वापसी कराए, ना किसी को जो है पैदाइशी तौर पर उसको मुसलमान। वक्त की कमी है, छोटा सा रिएक्शन वारिस साहब, क्या धर्म को लेकर सियासत होनी चाहिए? मैं बताऊंगा जाते जाते, धर्म को लेकर सियासत होनी चाहिए and I am proud to be a Muslim. There is no siyasat. It's a very good thing. बहुत अच्छी बात आपने बोली। सबको अपने अपने हिसाब से religious करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। लेकिन धर्म को लेकर सियासत होनी चाहिए या नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं होनी चाहिए, धर्म को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को अपना अपना धर्म बताने का अपने। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।